जनपद हरदोई में न्यायिक सुरक्षा में तैनात एक सिपाही ने एसपी कार्यालय के परिसर के सामने जमकर हंगामा काटा। सिपाही ने दौड़कर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। उसका आरोप था कि पुलिस ऑफिस में स्थित सीओ सिटी ऑफिस के एक बाबू द्वारा उसे रिश्वत मांगी जा रही थी। न्यायालय सुरक्षा में तैनात सिपाही छविराम सन्ना 2019 बैच का सिपाही है। छविराम ने बताया कि उसका मध्य प्रदेश में एकलव्य महाविद्यालय में लेक्चरर के पद पर तैनाती होनी है, जिसके कारण वह अपने सिपाही के पद से 14 जून को त्यागपत्र की सूचना दे रहा था। कानूनी प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण अभी तक उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जा सका है। वह 3 दिन में इस्तीफा लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी साइन करने को तैयार नहीं है और इसी बात को लेकर वह प्रधान लिपिक कार्यालय के सामने हंगामा करने लगा। वह किसी कमल का नाम ले रहा था और कह रहा था कि उसने कहा है कि 10,000 रुपए दे, 1 घंटे में करा दूंगा। सिपाही ने आरोप लगाया है कि एक बाबू उससे रिश्वत मांग रहा है। यह कहते हुए वह अपनी बाइक से पेट्रोल डालकर आग लगाने के लिए दौड़ा, लेकिन मौके पर मौजूद अन्य विभागीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटना की जानकारी एएसपी पूर्वी नपेंद्र सिंह को दे दी गई। एएसपी नपेंद्र सिंह ने बताया कि इस्तीफा स्वीकार करने से पहले माता पिता के बयान जरूरी होते हैं, अन्य पूरी प्रक्रिया करने में थोड़ा समय लगता है। अभी माता पिता के बयान नहीं हो सके हैं, इसलिए उनके कागजात पूरे नहीं हो पाए हैं। फिलहाल वह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। अब भद्रता की गई, जिसके कारण उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। रिश्वत के जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। नाम है लेक्चरर सिलेक्शन वार्ड तलिसगढ़ पर, ठीक है। 3 दिन से इस्तीफा लेकर घूम रहा हूँ, कोई साइन करने के तैयार नहीं है, सब पैसे मांग रहे हैं। बड़े बाबू ने मेरी हेल्प की है, बड़े बाबू ने कहा कि सीओ साहब से जांच करा लो। बड़े बाबू ने कहा कि जैसी जांच हो जाएगी मैं साहब से घर जाके साइन करा लूँगा। बड़े बाबू ने मेरी हेल्प की है, बाकी किसी अधिकारी ने कोई हेल्प नहीं की, सिर्फ गाली दी है मुझे। कमल कह रहा है 10,000 दे, 1 घंटे में करा दूंगा, ठीक है। फोन कर रहा हूँ आज, कल सीओ से, विधायक से, मंत्री से, एमएलसी से सबसे बात करा दी। अब सीएम ऑफिसर आ गया, मैं ओएसडी को फोन कर रहा हूँ अभी। अगर कोई संभाल सके फोन तो संभाल लेना, ठीक है। ओएसडी को फोन कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है ओएसडी, मेरे साथ के पीएससी ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है मेरे साथ के, कोई संभाल ले। मैं 5 मिनट फोन कर रहा हूँ, संभाल ले तो एसपी देखता हूँ मैं कितनी क्या आता है एसपी में, ठीक है। कौन है कमल? ये कौन है कमल? एसपी का बाबू है, ओएसडी ओसीडी, ठीक है। देखिए, मामला पुलिस कार्यालय के प्रधान लिपिक कार्यालय के सामने का है, जहां पर एक 19 बैच के कांस्टेबल है छवि कुमार, जो कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात हैं, और इनका ये कहना है कि इनका चयन प्रवक्ता के पद पे हुआ है, और आज ये प्रधान लिपिक कार्यालय के सामने शराब के नशे में आकर हंगामा करने लगे हैं। और इसमें इनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया इस्तीफे का, 14 जून को दिया गया है, जिसमें जिसकी जाँच सीओसीटी द्वारा की जा रही है, और इन शराब के नशे में जो हंगामा किया गया है, इनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।